हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी की के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस की आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलेगी। तो ऑप्शन पहला है इसका मक्का, चना, मटर। बी है चना मटर बाजरा, और सी है चना मटर सोयाबीन, और डी है चावल मटर, चावल चना और मटर। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर चना मटर और सोयाबीन है, जो कि शाकाहारी व्यक्ति के लिए इन तीनों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को टिटनेस का रोग हो सकता है। तो कौन से व्यक्ति को टिटनेस का रोग हो सकता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रदूषित जल पीने से, बी प्रदूषित भोजन करने से, सी है उसको कोई ऐसी बाहरी चोट लगे जिसमें खुला घाव हो जाए, और डी है उसको कोई ऐसी भीतरी चोट लगे जिससे रक्तदाब हो जाए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी वाला होगा, उसको कोई ऐसी बाहरी चोट लगे जिसमें खुला घाव हो जाए, ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसमें पूछा गया है BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। तो BCG का टीका आप लोग जानते ही होंगे, पहला है चेचक, दूसरा है बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, और डी है क्षय रोग। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है डी वाला ऑप्शन, क्षय रोग सही उत्तर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन में है, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होती है क्योंकि ये एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होती है क्योंकि ये ऑप्शन है शरीर रचना में भाग लेते हैं, बी ऑप्शन है शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, ऑप्शन डी जो है वो शरीर की तंत्रिका क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो आपका तीन सी नंबर वाला, आपका ये जो ऑप्शन है वो सही है, शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी ऑप्शन है शिशु के अध्ययन से संबंधित है, महिलाएं के अध्ययन से, सी ऑप्शन है त्वचा की बीमारी से, और डी है वृद्ध व्यक्तियों से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी वाला ऑप्शन है, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अस्थि रोग, बी है नेत्र रोग, सी है शिशु रोग, डी है हृदय रोग। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है। तो विटामिन ए पहला जो ऑप्शन है वो है विटामिन ए, दूसरा जो ऑप्शन है विटामिन बी है, तीसरा जो ऑप्शन है विटामिन सी है, और चौथा जो ऑप्शन है विटामिन डी है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है विटामिन सी, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, जो एड्स वायरस ये HTLV-3 की खोज किसने की थी। एड्स वायरस जो है HTLV-3 की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए देख लेते हैं इसका, ल्यूक मोंटे कॉनर है, बी जॉन गिलब्रिथ, सी जॉन क्यूडसन, और डी रॉबर्ट सी गैलो है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, रॉबर्ट सी गैलो। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है मम्स है, मम्स क्या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न एक रोग है, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग,
ऑप्शन सी है विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग, और चौथा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है वो कवकों द्वारा उत्पन्न रोग है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग है मम्स। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए में चार प्रकार के डीएनए में चार प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं, और कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, एडिनिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिल। बी ऑप्शन देखते हैं, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिल। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर सी है एडिनिन, थायमिन, यूरेसिल, एलानिन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा वाला, एडिनिन, थायमिन और गुआनिन, साइटोसिल। ये जो चार विकल्प नंबर बी है वो आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संरचना और प्रकार्य का एक सही युग्म नहीं है? तो इसमें आपको छांटना है कि संरचना और प्रकार्य का सही युग्म जो नहीं है उसे छांटना है, तो मतलब कि जो गलत युग्म है उसे छांटना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, संकुल अणुओं का टूटना, और इसके बाद देखते हैं माइटोकांड्रिया का उत्पादन शक्ति होता है इससे संबंध है, और इसका क्लोरोप्लास्ट का फोटो संश्लेषण से संबंधित है, और क्रोमोसोम सोम्स जो होता है वंशानु संक्रमण का चक्रयान से संबंधित है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो गाजी कॉम्प्लेक्स संकुल अणुओं का टूटना से संबंधित है ये। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता किसमें होती है? जिसमें पुतली का व्यास बदल जाता है वो क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए आयरिस में, बी सिलियरी में पेशियों में, और सी विट्रियस ह्यूमर में, डी एक्वस ह्यूमर में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आयरिस में हो जाएगा, ये सही उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है अमोनिया नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो यूरिया हो जाएगा। इसके बाद सही उत्तर यूरिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किस जंतु के हृदय में चार कोष्ठ होते हैं? निम्न किस जंतु के हृदय में चार कोष्ठ होते हैं? तो पक्षी में, स्तनधारी में, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों में, और डी ऑप्शन है मछली में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो एक और दो दोनों में, मतलब पक्षी और स्तनधारी दोनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए आरबीसी, बी जो है डब्ल्यूबीसी है, सी प्लेटलेट्स, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये चैनल पहली बार जिन लोग देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए, और आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मतलब कि ये कैसा लगा है ये बताते चलें, कि लाइक भी करते चलें, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि कैसा ये वीडियो है, कैसा क्वेश्चन है। तो इससे थोड़ा और मैं उत्साहित होऊंगा और आप सबको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो है हृदय के किस कोष्ठ में शुद्ध रक्त भरा होता है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा है राइट ऑरिकल,
और तीसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल, और चौथा जो ऑप्शन है दोनों एक और तीन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके आने की भी संभावना उतना ही ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, तो मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितना होती है? ऑप्शन ए है 4 से 5 लीटर, ऑप्शन बी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी है 6 से 7 लीटर, ऑप्शन डी है 12 से 15 लीटर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, 5 से 6 लीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए, अगला है विटामिन बी, अगला है ऑप्शन विटामिन के, और इसके बाद सभी। तो रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायक होता है वो है विटामिन के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। रक्त का कार्य है ऑक्सीजन के परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, ऑप्शन सी है प्रतिरक्षा, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, प्रतिरक्षा, ये तीनों रक्त का कार्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा उपयोग करता है, तो वो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा उपयोग करता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यूरिया का, फिर बी है यूरिक एसिड, सी है शर्करा, और डी है लवण और जल। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। और इसके बाद अगला देखते हैं जो क्वेश्चन है वो है ट्रिपल एंटीजन बच्चों को किस लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रिपल एंटीजन बच्चों को किस लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है इसका पोलियो, टिटनेस, कुकर खांसी को रोकने के लिए, और ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए, इसके बाद है सी ऑप्शन है छोटी माता, कुकर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए, और चौथा जो ऑप्शन है वो है पोलियो, छोटी माता और डिप्थीरिया को रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए। और इसमें अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इन सब वीडियो का, तो उसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा लाइक ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। नेत्र तारा, बी लेंस, सी रेटिना, डी करिनिका। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है रेटिना। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालामिन है क्या? है विटामिन सी है, या विटामिन बी सेवन है, विटामिन बी सिक्स है, या विटामिन बी ट्वेल्व है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो विटामिन बी ट्वेल्व है, जो कि साइनोकोबालामिन है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। एंजाइम मूलतः होती हैं, तो एंजाइम मूलतः क्या होती हैं? ऑप्शन है ए है वसा है, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो कीट के शरीर से निकला स्राव ऑप्शन इसका है मोती, ऑप्शन बी है मूंगा, इसके बाद है ऑप्शन सी लाख, और ऑप्शन डी गोंद। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो लाख होगा, क्योंकि ये कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव होता है। और
आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर जो लोग फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, आप फेसबुक के लिंक पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और यहाँ यूट्यूब का दिया हुआ है लिंक, जो कि डायरेक्ट आप इस लिंक के माध्यम से मेरे चैनल तक जा सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।